Assalamu alaikum, good evening and welcome back to the channel. My dear student, today's discussion topic is organized market versus unorganized market. बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हैं ओवर द काउंटर मार्केट में, अनऑर्गेनाइज मार्केट, ऑर्गेनाइज मार्केट में एक्सचेंज क्या होती है. तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और आपको आप बताएंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसका डिफरेंस क्या है ओटीसी मार्केट का और एक्सचेंज का. सो लेट्स बिगन आवर टॉपिक. सो हमारे पास है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट. ऑर्गेनाइज मार्केट को हम एक्सचेंज भी बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. ऑर्गेनाइज मार्केट को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज. और अनऑर्गेनाइज मार्केट को हम बोलते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट. ऐसी मार्केट जहाँ पे ओवर द काउंटर सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, और ऑर्गेनाइज मार्केट जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म के साथ सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, उसको हम एक्सचेंज का नाम भी देते हैं. अगर आपको लिखा आ जाए एक्सचेंज वर्सेज ओटीसी, ठीक है, या फिर लिखा जाए ऑर्गेनाइज वर्सेस ओवर द काउंटर मार्केट का डिफरेंस बताएं या कुछ भी, और अगर आपको ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज आ जाए, तो इसका मतलब ये सेम थिंग्स हैं जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है ऑर्गेनाइज मार्केट. ऑर्गेनाइज मार्केट क्या होती है? एक ऐसी मार्केट होगी जहां पे एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, जहां पे एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उसके साथ जब हम सिक्योरिटीज को ट्रेड करेंगे. हाँ, यहां पे एक बात जरूर याद में ज़हन में रखें कि हमारे पास है कैपिटल मार्केट. हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट की, जो मैं पहले ही आपको लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. कैपिटल मार्केट की एक टाइप होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट. हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट, ये जो सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज की बात करें, ये किसमें हो रही है? ये सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है, ठीक है. प्राइमरी में तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इश्यू करते हैं ना, तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे प्री ऑन सिक्योरिटीज को हम जो है वो सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं. तो हमारे पास क्या है? एक ऐसी मार्केट होगी एक्सचेंज या फिर ऑर्गेनाइज के, जिसमें प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, उसके साथ हम अपनी सेकेंडरी जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं. उसको पढ़ते हैं. एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट वेयर इन ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक टेक प्लेस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन अ सेफ, ट्रांसपेरेंट एंड सिस्टमैटिक मैनर. यहाँ पर तीन चीज़ें बताई गई हैं, सेफ भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो और सिस्टमैटिक भी हो. अब इन तीन चीज़ों को आप देख लें कि सिस्टमैटिक तरीके से जब अपनी बायर और सेलर अपनी सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करते हैं, वहाँ पे सेफ्टी भी होती है और वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी होती है, उस जगह को हम कहते हैं कि एक्सचेंज है ये या ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. समझ आ गई बात? ऐसी मार्केट जहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ओवर द काउंटर कहेंगे, अनऑर्गेनाइज कहेंगे. तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर होगी. इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करने के लिए हमने थोड़ा सा और इसमें लिखा है. एक ये होती है सेंट्रलाइज्ड मार्केट एंड रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट. अच्छा, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो एक ही जगह से ऑपरेट हो रही होती है, तो इसको एक प्रॉपर कंपनी, एक प्रॉपर मैकेनिज्म ट्रेड कर रहा होता है, जिसके अंदर जितने भी डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो लिस्टेड होती हैं, अपने स्टॉक को सेल एंड परचेज कर रही होती हैं. तो एक सेंट्रलाइज होता है, एक ही जगह से रन की जा रही होती है प्रॉपर एक मैकेनिज्म के साथ. रेगुलेटेड होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ये रन होती है, बनाई जाती है, इसलिए हम इसको रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं. फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास सिक्योरिटीज, कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव आर ट्रेडेड. इसके अंदर सिक्योरिटीज भी ट्रेड होंगी. सिक्योरिटीज के अंदर हमारे पास बॉन्ड्स आ जाते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट आ जाते हैं. डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, करेंसीज आ जाएंगी, ठीक है, कमोडिटीज आ जाएंगी, गुड्स प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो हम सेलर परचेज करते हैं. ये बेसिकली आप एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की भी ले सकते हैं, जहाँ पे कमोडिटीज हैं, आपकी करेंसीज अवेलेबल हैं, डेरिवेटिव, ये सारी बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, वो ट्रेड होते हैं. तो हम इसमें क्या करते हैं? इन सब चीजों को ट्रेड करते हैं. फिर हमारे पास पॉइंट है प्राइसेस सेट बाय मार्केट फोर्सेस. इसकी प्राइसेस कौन सेट करता है? मार्केट फोर्सेस सेट करती हैं. मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे. मार्केट फोर्सेस होती हैं डिमांड आपकी और सप्लाई, जो आपकी सप्लाई और डिमांड से मिलके जो प्राइस तय होती है, एक मैकेनिज्म के साथ प्राइस तय होती है, उसको हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस. अब कुछ डिमांडर्स होंगे, कुछ चीज़ों को परचेज करना चाहते हैं, कुछ उसको सेल करना चाहते हैं, तो जो कम्बिनेशन या इक्विलिब्रियम बनता है वो मार्केट फोर्सेज उस प्राइस को सेट करती हैं. ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्राइस सेट बाय मार्केट फोर्सेज करती हैं. समझ आ गई होगी आपको. फिर है हमारे पास फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म. ये हमारे पास फिजिकली भी अवेलेबल होती है, मीन्स टू से दैट इसकी एक प्रॉपर प्लेस होती है जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होती है, और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी होता है, मतलब वेबसाइट भी होती है जहाँ पे आप सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज कर सकते हैं, और प्रॉपर एक इसकी जगह होती है जहाँ पे ये की जाती है, प्रॉपर एक ऑफिस होता है, एक बिल्डिंग होती है, यू कैन से दैट लाइक, ठीक है. ये ऑर्गेनाइज मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, आपको बताने के लिए मैंने ये बताया.
फिर हम अगर इसके फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स, कुछ मैंने यहां पे लिखे हैं। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट, के सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है वहां पे। आप फिजिकली जाएं, आप सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बायर भी अवेलेबल होते हैं, सेलर भी अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी टाइम अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं, किसी भी टाइम अपनी सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं। और फिर दूसरा फंक्शन इसका यह है कि आप अपने पोर्टफोलियो में चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक कंपनी का स्टॉक बाय किया, आप किसी और कंपनी का स्टॉक बाय करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप उसको एक को सेल करके दूसरा परचेज कर सकते हैं। बायर्स एंड सेलर्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, तो हम इसलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इसमें की जाती है। ओके, फिर है असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस की अगर हम बात करूं तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट कंपटीशन की, एक परफेक्ट कंपटीशन है उसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये बन जाती है कि असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस की जो प्राइसेस तय की जाती हैं वो एक मैकेनिज्म होता है जिसकी मैं बात कर रहा था। वो मैकेनिज्म क्या है कि वहाँ पे सेलर भी अवेलेबल हैं, बायर्स भी अवेलेबल हैं, और एट द स्पॉट एक सेलिंग और बाइंग के साथ जो भी कनेक्शन होकर प्राइसेस निकलती हैं, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो प्राइसेस निकलती हैं वो वहाँ पे, एक तो वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, एक आप उन सिक्योरिटीज के अबाउट जानते हैं कि उस सिक्योरिटीज का बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह की सिक्योरिटीज है, इसमें रिस्क कितना है, किस कंपनी की है, आपको ईच एंड एवरीथिंग का पता चल रहा था, प्राइस भी आपको पता चल रही होती है सिक्योरिटीज की क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइसेस के लिए एक प्रॉपर कंपटीशन और ये प्रॉपर एक सेफ ट्रांसपेरेंट प्राइसेस वहां पे उन सिक्योरिटीज की अवेलेबल होती हैं। फिर है रेजिंग ऑफ फंड्स। अच्छा, फंड्स को रेज किया जाता है, गवर्नमेंट हो गई, कॉर्पोरेशंस हो गई, अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करती हैं, अपनी कंपनी को लिस्ट करती हैं स्टॉक एक्सचेंज से, जो भी एक्सचेंज, जिस भी कंट्री की एक्सचेंज हो, अगर इंडिया की है तो इंडिया की एक्सचेंज, पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की एक्सचेंज पे, वहां पे ये लिस्टेड होती हैं और फिर फंड जनरेट किया जाता है और जो जनरल पब्लिक होती है उनको ऑफर किए जाते हैं, अपने शेयर वो परचेज करते हैं और वहां से फंड जनरेट किया जा सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि रेजिंग फंड्स। देन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाता है। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस फंड्स होते हैं वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज के पास पैसा जाता है, उस पैसे को वो किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करती है, वहाँ से हायर रिटर्न लेती है, तो जो इन्वेस्टर होता है वो भी वहाँ से अर्निंग करता है, रिटर्न मिलता है उसको, प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स होती है इसकी वजह से। फिर ट्रेड इन सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ये जो एक्सचेंज है हमारी, मैंने आपको पहले बताया कि ये सेकेंडरी मार्केट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? जहां पे ऑलरेडी ट्रेडेड सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही होती हैं, जहां पे ऑलरेडी सेल हुई सिक्योरिटीज वो ट्रेड हो रही होती हैं। जो फर्स्ट टाइम कंपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती हैं, वो यहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रेड वो होने के बाद, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होने के बाद फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं वो वाली होती हैं, जिसका कंपनी के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होता, इनडायरेक्टली लिंक होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑलरेडी जो सिक्योरिटी सेल हुई होती हैं वो इसमें ट्रेड हो रही होती हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करें ओवर द काउंटर मार्केट की, फिर इसके डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। ओवर द काउंटर मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है, इसको हम स्मॉल मार्केट भी कहते हैं। ऐसे लोग इसको करते हैं जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो ओवर द काउंटर की तरफ जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर द काउंटर इज अ डिसेंट्रलाइज्ड, ये सेंट्रलाइज नहीं होती, इसको डीलर कंट्रोल कर रहा होता है। जो बायर एंड सेलर होते हैं वो इट सेल्फ कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये इट सेल्फ आपस में डीलिंग कर रहे होते हैं। इसमें कोई भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म वाला अदारा जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। इज अ डीलर मार्केट, डिसेंट्रलाइज्ड डीलर मार्केट, वेयर इन ब्रोकर एंड डीलर ट्रांजैक्ट डायरेक्टली वाया कंप्यूटर नेटवर्क, फोन एंड ईमेल, जहां पे जो बायर्स और सेलर जो हैं वो ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, फोन कॉल्स के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, कोई प्रॉपर प्लेस नहीं होती उनके पास। सो दिस इज कॉल्ड द ओवर द काउंटर मार्केट, जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ या प्रॉपर रेगुलेशन के साथ नहीं वर्क करती। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड ऑफ एक्सचेंज, इसको और क्या कहा जाता है? ट्रेड ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंड नेम ऑफ द OTC, तो यू कैन से दैट द ट्रेड ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। फिर हमारे पास है डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट, ये मार्केट डिसेंट्रलाइज होती है, जो मतलब डीलर इसको कंट्रोल कर रहा होता है, किसी एक ही जगह से कंट्रोल नहीं हो रही होती है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है, आगे डीलर कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रोकर के पास आपस में लोग डील कर रहे होते हैं, तो डील इसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। देन है
अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, इस पे ऐसी सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं जो अनलिस्टेड होती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कमीशन पाकिस्तान या इंडिया जहां भी आप काम करें वहां पे ये लिस्टेड नहीं होती सिक्योरिटीज उस स्टॉक के पास, ठीक है। तो वो कौन सी लिस्टेड नहीं होती, वो ऐसी कंपनीज जो छोटी कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड नहीं करवा सकती, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर सकती, वो अनलिस्टेड होती हैं, वो बाहर रह के अपनी सिक्योरिटीज को डायरेक्टली थ्रू द डीलर थ्रू द सेल और परचेज करती हैं अपने बायर और सेलर को ढूंढ के, ठीक है। तो उसको अनलिस्टेड सिक्योरिटीज कहते हैं जो लिस्टेड नहीं होती, जो रजिस्टर्ड नहीं होती। फिर नो फिजिकल लोकेशन, देखें डिफरेंसेस भी इसके आपको क्लियर हो रहे होंगे, इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, ये किसी एक जगह पे सैचुएटेड नहीं होती, फोन कॉल्स पे ईमेल्स के थ्रू बायर और सेलर आपस में कांटेक्ट करते हैं, कोई थर्ड पर्सन उसका कांटेक्ट करवा देता है, उसमें से अपना मार्कअप रख लेता है, इस तरह से कॉन्टैक्ट करके डीलिंग करते हैं। ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन टू कंपनीज आर फाइनेंशियल, ये दो कंपनीज के दरमियान या दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दरमियान ये जो ट्रेड है ये होती है, ठीक है। दो कंपनीज आपस में डील कर सकती है, मतलब एक कंपनी अपने शेयर्स को सेल आउट कर रही है तो दूसरी कंपनी उसके शेयर्स को खरीद रही है, ठीक है। एक पर्सन जो है वो सेल कर रहा है, दूसरा उसको खरीद रहा है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसी तरह से एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को सेल कर देता है। सो इस तरह से ये नेटवर्क जो है ये मूव करता है ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर। फिर जब भी बायर परचेज करना चाहता है, जब भी पर्सन परचेज करना चाहता है स्टॉक को, वो क्या डिमांड, वो जो प्राइस सेट करता है वो क्या होती है, बिड प्राइस, ठीक है। और जो सेल करने वाला पर्सन है, अगर वही बंदा अपने स्टॉक को सेल करना चाहता है तो वो क्या डिमांड करता है, आस्क प्राइस, ठीक है। इसको कहते हैं सेल प्राइस और ये होती है परचेज प्राइस, बिड प्राइस को परचेज और आस्क प्राइस को सेल प्राइस। और एक होता है मार्कअप, मार्कअप कहते हैं जो डीलर को चला जाता है, जो उनकी दोनों की डीलिंग करवा रहा होता है उसमें से जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस, परचेजिंग प्राइस और सेल प्राइस का जो स्प्रेड निकलता है, जो डिफरेंस निकलता है, जो मार्जिन होता है, जो मार्कअप होता है दोनों के दरमियान, वो बेसिकली क्या होता है, मार्कअप होता है, जो डीलर के पास चला जाता है, जो डीलर उससे अर्निंग करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्कआउट कर रही होती है ओवर द काउंटर मार्केट, कुछ आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। अच्छा, अब रह गया हमारे पास डिफरेंट, जो मेन हमारा टॉपिक था उसकी तरफ मूव करते हैं, डिफरेंट बिटवीन एक्सचेंज वर्सेस ओवर द काउंटर मार्केट या फिर ऑर्गेनाइज वर्सेस ओवर द काउंटर या अनऑर्गेनाइज, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, जो भी क्वेश्चन की नेचर में आपसे पूछा गया। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं, सबसे पहला पॉइंट है मार्केट मेकर एक्सचेंज, ये है ओटीसी और ये है एक्सचेंज। ओटीसी के अंदर हमारे पास जो मार्केट मेकर कौन होते हैं, डीलर्स होते हैं, जो आपस में डीलिंग करवा रहे होते हैं, डीलर्स इस मार्केट को बनाते हैं, वही डीलिंग कर रहे होते हैं। इन केस ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक्सचेंज इटसेल्फ वहां पे वर्क करती है, मैंने आपको पहले बताया कि एक्सचेंज वहां पे इन्वॉल्व होती है, एक्सचेंज ही ट्रेडिंग करवा रही होती है बायर एंड सेलर्स की वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद है यूज्ड बाय, इसको कौन यूज करता है, ओटीसी को स्मॉल कंपनीज यूज करती हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, लिस्टेड नहीं हो सकती स्टॉक एक्सचेंज पे, तो स्मॉल कंपनीज इसको यूज करती हैं। ऑन द अदर केस एक्सचेंज के अंदर वेल एस्टैब्लिश कंपनीज जो होती हैं वो इसको रजिस्टर्ड करती हैं, वो वाइडली प्रोसेस पे यूज किया जाता है इसको, और ये बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो अपने स्टॉक को वहां पर रजिस्टर्ड करवाती हैं एक्सचेंज में। फिर है हमारे पास फिजिकल लोकेशन, थर्ड पॉइंट है फिजिकल, ओटीसी के अंदर कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, नो फिजिकल लोकेशन, एक्सचेंज की एक प्रॉपर फिजिकल लोकेशन होती है, वो ऑनलाइन भी वर्क करती है और फिजिकली भी वहां पे वो अवेलेबल होती है, आप उसको अप्रोच भी कर सकते हैं। एंड देन है हमारे पास ट्रेडिंग आवर्स, ओटीसी के अंदर ट्रेडिंग आवर्स हमारे पास 24/7 होते हैं, मतलब 24 आवर्स आप जो इस वक्त चाहें डील कर सकते हैं किसी भी बायर से, किसी भी सेलर से डायरेक्टली, तो आपने डील करनी है, जबकि एक्सचेंज के अंदर प्रॉपर वर्किंग आवर्स होते हैं, वो एक टाइम पे एक्सचेंज खुलती है, सपोज करें सुबह 9 से 5 बजे तक एक्सचेंज खुलती है, ये उसके वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें डीलिंग नहीं हो सकती, ठीक है, और करेंगे तो वो ओवर द काउंटर मार्केट में करेंगे, ओटीसी में करेंगे। ये एक और लेक्चर में भी मैं आपको किसी तरह समझाऊंगा कि जो हम डायरेक्टली सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल करते हैं, शेयर्स को, बॉन्ड्स को या डिफरेंट चीज़ों को, तो वो ओवर द काउंटर, जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो ओवर द काउंटर मार्केट में डायरेक्टली सेल एंड परचेज हो रही होती है, ठीक है। फिर है हमारे पास स्टॉक, स्टॉक की बात करें तो अनलिस्टेड होता है ओवर द काउंटर, मैंने आपको पहले बताया कि वो अनलिस्टेड होती हैं, लिस्टेड स्टॉक नहीं होता उनका, वो डायरेक्टली सेल किया जाता है। और जो एक्सचेंज होती है वो लिस्टेड स्टॉक होता है, कोई भी उसको जर्नल यूजर जो है वो जाके उसको परचेज कर सकता है, वहां से देख सकता है, परचेज कर सकता है, लिस्टेड होता है। फिर हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी, ओटीसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी लो होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता इतना सिस्टम, जबकि एक्सचेंज के अंदर हमारे पास जो है वो कंपैरेटिवली हाई ट्रांसपेरेंसी होती है, बिकॉज दैट
आपको प्रॉपर प्राइसेस का, प्रॉपर सिक्योरिटीज़ का आइडिया हो रहता है, डिमांड एंड जो हमारे पास सप्लाई है उससे आपको प्रॉपर मार्केट फोर्सेस से आपकी प्राइस को डिटरमिन किया जाता है कि क्या प्राइसेस आ रही है। अगर एक प्राइस जो है वो एक सिक्योरिटीज की बहुत ज़्यादा अप हो रही है तो वहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए उसको जो है वो डिल्यूट कर दिया जाता है या कुछ टाइम के लिए उसको ब्रेक कर दिया जाता है तो उससे वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाती है। तो एक्सचेंज प्रॉपर एक मैकेनिज्म के साथ वर्क कर रही होती है। फिर है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो ओटीसी के अंदर हमारे पास जो है वो कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आप अपनी मर्जी से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस तरह का आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या किस जितना आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जबकि एक्सचेंज के अंदर एक स्टैंडर्डाइज कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसी को ही आप बाय एंड सेल परचेज करेंगे, उसके अलावा आप जो है वो अपनी मर्जी से कस्टमाइज उसको नहीं कर सकते। फिर हमारे पास बैलेंस है। बैलेंस की अगर बात करें तो इम्बैलेंस्ड जो ओटीसी है ये इम्बैलेंस्ड होती है और एक्सचेंज जो है ये बैलेंस्ड होती है, प्रॉपर हर तरह से वर्क करती है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है, ट्रांसपेरेंसी को शो करती है, प्राइस के रेगुलेशंस के मैकेनिज्म को शो करती है। जबकि ओटीसी के अंदर इम्बैलेंस होता है, उसमें अगर प्राइसेस हाई हो रही हैं तो वो हाई हो जाएंगी, अगर लो हो रही हैं तो वो लो हो रही हैं, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इन केस एक्सचेंज के अंदर अगर प्राइस हाई हो रही है तो उसके लिए प्रॉपर उस सिक्योरिटीज को की प्राइस को इंक्रीज हो रही है तो उसको कंट्रोल करने का सिस्टम अवेलेबल होता है, उसके साथ उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज वर्सेज ओवर द काउंटर या एक्सचेंज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज वर्सेज अनऑर्गेनाइज मार्केट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं या वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले आप इंटरेस्टेड हैं और आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।